हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है और उसमें जो किस प्रकार से पेपर आपका बनेगा, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 सेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपका जो पेपर रहेगा वो 75 नंबर का रहेगा, कक्षा 10वीं का। बात कर रहे हैं हम विषय हिंदी और समय आपको बराबर 3 घंटे का मिलेगा, जिसमें आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जो 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपके। 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, जिसके बाद 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पूरे क्वेश्चन पेपर का हम हल करेंगे आज के इस वीडियो में। आइए फ्रेंड्स, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी हमारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। उससे पहले जो जो दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं, सभी अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन कौन आ चुके हैं, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें और उनसे भी कह दें कि लाइव क्लास त्रैमासिक परीक्षा के लिए स्टार्ट कर दी है, तो आप सभी भी इस क्लास को जुड़िए, ज्वाइन करिए और अच्छे से अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कीजिए। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न को। इससे पहले भी हम वीडियो डाल चुके हैं, उनको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। साथ ही आप चाहते हैं कि आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर जरूर करिएगा। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सत्य फत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय की रचना है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सत्य। फागुन सांस लेता है तो हर घर को सुगंध से भर देता है, सत्य। संधि 5 प्रकार की होती है, असत्य। नाटक में अनेक अंग होते हैं, सत्य। छंद 3 प्रकार के होते हैं, सत्य। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, तो इसमें भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ गद्य की विधा है, तो नेताजी का जो चश्मा पाठ है वो गद्य की विधा है, तो वो जो है कहानी है, कहानी आपका आंसर होगा इसमें सही। सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य उनका नाम था। भोलानाथ, भोलेनाथ का वास्तविक नाम था, तो तारकेश्वर नाथ उसका नाम था। आगे बढ़ते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। एक एक प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों, आपका हो जाएगा अलंकार। जय शंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं, बोहली बता रहे हैं। कैसी बता रहे हैं बच्चों, बोहली, याद रखिएगा। श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली, तो आपका आंसर होगा राज नीति पढ़ ली। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, पंचवटी में समास है, तो पंचवटी में कौन सा समास है, तो यहाँ पर द्विगु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगवाद के जनक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अज्ञेय। भोलानाथ का तिलक लगाता था, तो बभूत का। और बाल गोविंद भगत के गीत गाया करते थे, तो जो बाल गोविंद भगत थे वो कबीर के गीत गाया करते थे। शिव धनुष तोड़ा था राम ने, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल रहे हैं। क्रिया के प्रकार होते हैं, तो क्रिया के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 2, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सही विकल्प हमारे चल रहे हैं, जोड़ी मिलाएंगे अब उसमें हम, 6 नंबर की जोड़ी है। माता पिता द्वंद्व समास, शिव पूजन सहाय, माता का आंचल, वीर रस उत्साह, आंखों का तारा, बहुत प्यारा, लखनवी अंदाज, यशपाल,
छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। एक शब्द में उत्तर दीजिए, एकांकी में कितने अंक होते हैं? आंसर हमारा एक। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं? आठ। सुभाष की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था? तो तीसरे वाले में जो आंसर होगा वो होगा मोतीलाल, मोतीलाल उसका नाम था। परशुराम के पिता का नाम? तो परशुराम के पिता का नाम था जमदग्नि, जमदग्नि। अनुबम कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा, हिरोशिमा पर। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई कैसा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्मवाच्य लिखेंगे आप। जिसके बाद में अब आपके जो क्वेश्चन है ये यहाँ से लेकर 6 से लेकर 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इन सभी प्रश्नों के भी आंसर चाहिए, 6 से लेकर 23 तक भी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पूरा क्वेश्चन पेपर 6 से लेकर तो 23 तक आपको दूसरे वीडियो में हम प्रोवाइड करवा देंगे, देख सकते हैं। बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पर। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़िए और अपनी शानदार और जानदार तैयारी कीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसको लगाकर आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। देखो स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र है, नीचे निबंध भी बता देता हूँ। 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, ये रहा आपका निबंध विज्ञान वरदान एवं अभिशाप और पर्यावरण प्रदूषण वृक्षारोपण जली जीवन, ये हमारे निबंध है। निबंध की रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है 4 नंबर के लिए। तो ये हो चुका है हमारा वीडियोस पूरा। अगर आप स्टूडेंट्स यूँ कहना चाहते हैं ना कि 6 से लेकर 23 तक भी वीडियो बनाओ, तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा और उसमें बताना पड़ेगा कि हाँ सर 6 से लेकर 23 तक का एक वीडियो बनाओ आंसर सहित, तो मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा, इसी क्वेश्चन पेपर को 6 से लेकर 23 तक सोल्व करवा दूँगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स लिखेगा कि 6 से 23 तक सोल्व करवाओ तो मैं ज़रूर बताऊंगा। स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आपने इसको पूरा लगा लिया तो। जल्दी से एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आपकी तैयारी हम करवाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।